सभी लोग जानते हैं कि ये पोषण माह एवरी ईयर हर साल या इस साल ये तीसरा साल है कि हम सेलिब्रेट करते हैं। इस सेलिब्रेशन का कुछ मुख्य उद्देश्य है। हमारा एक स्कीम है जो कि जिसका नाम है पोषण अभियान, राष्ट्रीय पोषण अभियान। यह हमारे प्राइम मिनिस्टर्स के ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ WCD का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसका रिव्यू नीति आयोग एंड PMO ऑफिस करता है। और इस पोषण अभियान को उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जितना भी मल न्यूट्रिशन है इस देश में उसको हमको ख़त्म करना है। इसके अलावा हर महीने पोषण अभियान स्कीम के तहत हर महीने एक एक आंगनवाड़ी सेंटर्स में कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स 2 दिन के लिए और विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे 1 दिन के लिए हम लोग एक्टिविटी करते रहते हैं। तो हमारा लक्ष्य है, हमारा ये अभियान है कि भारत को कुपोषण मुक्त बनाना है। अगर हम आंकड़े को देखेंगे तो इंडिया में 38.8 ऑफ चिल्ड्रन जो कि 5 साल के नीचे में हैं वो दे आर अंडर वेट, और 38.4 बच्चे जो हैं वो स्टंटेड हैं। स्टंटेड मीन्स उसका एज के हिसाब से उनका हाइट जो होना है उससे वो कहीं अधिक कम होता है। ये आंकड़ा जब हम लोग अरुणाचल का संदर्भ में लेते हैं तो हम लोग कुछ बेहतर हैं। इन अरुणाचल प्रदेश द अंडर न्यूट्रिशन इज मच बेटर। वी हैव ओनली 19.5% ऑफ अंडर नॉरिश चिल्ड्रन इन द स्टेट, 29.4% ऑफ स्टंटिंग इन द स्टेट। और ये माना जाता है कि देश में 67.5 जो परसेंटेज ऑफ जो चाइल्ड डेथ होता है दैट इज बिकॉज ऑफ अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन जब होता है तो वो बच्चे को मॉर्बिड मॉर्टिलिटी रेट जो है वो हायर हो जाता है। जब वो बच्चे डायरिया हो जाता है या निमोनिया हो जाता है या मलेरिया हो जाता है, तो जो बच्चे अंडर नॉरिश है, अंडर न्यूट्रिशन है, तो उसका मॉर्टिलिटी रेट जो है वो रिस्क जो फैक्टर है वो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। कि इस बार हर डिस्ट्रिक्ट में कृषि विज्ञान केंद्र में फ्रीली जो एक फोकस एरिया है हमारा न्यूट्रिशन गार्डन, उसके लिए बीजों भी सीड्स भी फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया है आंगनबाड़ी वर्कर्स को, और बहुत सारे रेसिपी कॉम्पिटिशन्स भी ऑर्गेनाइज किया और अवेयरनेस भी दिया। तो आई एम एज अ डिपार्टमेंट वी आर रियली थैंकफुल टू द कृषि विज्ञान केंद्र एंड द ICAR। और आप सभी लोग जो यहाँ आए अपना टाइम दिया, और थैंक यू फॉर द पेशेंट हियर, थैंक यू वेरी मच। ये बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया द फोकस मेन फोकस या ऑब्जेक्टिव आप बोले तो एक भारत को एक कुपोषण से मुक्त करने का एक अभियान है। तो फायदा उन सभी के लिए है जितने भी एक जनता को ये अवेयरनेस देना है कि एक जो बच्चा कुपोषित पैदा होता है या लो बर्थ रेट बच्चा पैदा होता है तो उनका अगर कोई इलनेस जैसे कि डायरिया डिसेंट्री वगैरह अगर उसको लग जाता है तो उसका मोर्टिलिटी रेट जो है वो रिस्क हायर हो जाता है। तो यही मैसेज देने के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया है, और इसका ये मकसद है कि बाय 2022 एक ये हमारे जो अंडर न्यूट्रिशन है उसको रिड्यूस करना है। ये स्कीम सभी के लिए है, सभी माताओं के लिए है, सभी पिताजी के लिए है कि वो लोग इसके बारे में अपना जो नियरेस्ट CDPO ऑफिस है उनसे अधिक से अधिक जानकारी ले, या जो अपने आंगनबाड़ी वर्कर्स है उनके गांव में उनसे इसके बारे में जानकारी ले। अपने बच्चों को अभी तो कोविड का टाइम है इसीलिए जो आंगनबाड़ी वर्कर्स उनका जब होम विजिट्स करते हैं और आंगनबाड़ी वर्कर्स जब उनके बच्चों का वजन लेते हैं तो उसमें वो कोऑपरेट करें,
क्योंकि इसी प्रकार से उसका वेट लेके बच्चों का वेट लेके उसका हाइट लेके हम लोग ये असेस कर पाएंगे कि वो बच्चा प्रॉपरली नॉरिश्ड है कि अंडर न्यूट्रिशन है या वो सीवियरली अक्यूट मल नॉरिश्ड है, इसका एक अंदाज़ा लगा सकता है और उसको फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए कि उसको मेडिकल एड का ज़रूरी है क्या ना, उसको पेरेंट्स का जो काउंसलिंग है जो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलने का वजह से ये हो रहा है क्या, उसको फर्दर जो भी एक्शन है वो कर पाएगा। इसलिए मेरा ये अनुरोध है कि सभी लोग इस प्रोग्राम में भागीदार बने और सही पोषण और तेज रोशन और एक कुपोषण मुक्त भारत का जो हम लोग का पैगाम है, जो मैसेज है, उसको सभी लोगों तक पहुँचाएँ।